अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है इंग्लिश विद असद इकबाल, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। माई नेम इज़ असद इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। In this video, we are going to study how to use conditional sentences correctly and how do they form. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में कंडीशनल सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उर्दू में। तो उर्दू में कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है इम्कान जाहिर करना। इसका मतलब होता है इम्कान जाहिर करना। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये है कि एक ऐसी सूरत हाल को बयान करना कि अगर वो होगी तो उसका एक ख़ास नतीजा निकलेगा। मतलब एक ऐसा इम्कान जाहिर करना, ऐसी पॉसिबिलिटी को या इम्पॉसिबिलिटी को जाहिर करना कि अगर वो होगी तो उसका एक ख़ास नतीजा निकलेगा। नाउ वी डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी क्लियर that conditional sentences are also called conditionals because they are used to show two things. Number one, hypothetical situations, and number two, and their consequences. So conditional sentences are used to show two things. Number one, hypothetical conditions and their consequences. Hypothetical condition means to show probability, possibility. अब हम एक example देते हैं और समझते हैं कि conditional sentences का application क्या है. For example, if he works hard, he will pass. If he works hard, he will pass. सबसे पहले तो ये समझ लें, ये उर्दू में एक शर्तिया जुमला। इसका मतलब क्या है कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो इंग्लिश में मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? If he works hard, he will pass. ठीक है, अब जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है, अ कंडीशनल सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ कॉल्ड इट्स कंडीशन एंड अदर इज़ कॉल्ड इट रिज़ल्ट। वो कैसे देखते हैं? ये जो है पूरा सेक्शन, ये हमें बताता है कंडीशन के बारे में, इट कंडीशन। और ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये हमें बताता है रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, तो क्या मतलब इस बात का? अ कंडीशनल सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ कॉल्ड इट्स कंडीशन एंड अदर इज़ कॉल्ड इट रिज़ल्ट। कंडीशन मीन्स सिचुएशन, सूरत हाल, कि उसने हमें ख़ास सूरत हाल दी है, एक सिचुएशन दी है। एंड रिज़ल्ट मीन कॉन्सिक्वेंसेज, इसका नतीजा, कि अगर ये कंडीशन होगी यानी अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसे समझने का। ओके, ग्रामेटिकली अ कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस, वन इज़ कॉल्ड द प्रोटेसिस, वन इज़ कॉल्ड द प्रोटेसिस एंड अदर इज कॉल्ड द एपोडेसिस। वट डज प्रोटेसिस मीन एंड वट डज एपोडेसिस मीन, इसको ज़रा समझ लें। ग्रामर हमें ये कहती है कि एक कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक क्लॉज जिसको हम प्रोटेसिस भी कहते हैं और दूसरी क्लॉज को हम कहते हैं एपोडेसिस। अच्छा, प्रोटेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोटेसिस का मतलब होता है वो क्लॉज जो एक ख़ास कंडीशन को जाहिर करती है, एक ख़ास सिचुएशन को जाहिर करती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेसिस। ठीक है, इसी तरह से अपोडेसिस का मतलब होता है वो क्लॉज जो एक ख़ास रिजल्ट को, नतीजे को, कंसिक्वेंस को जाहिर करती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं अपोडेसिस। अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं, द क्लॉज कंटेनिंग द कंडीशन इज कॉल्ड द प्रोटेसिस, द क्लॉज कंटेनिंग द रिजल्ट इज कॉल्ड द अपोडेसिस। अब हम इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं और इसके स्ट्रक्चर को। तो एक बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है, इट हैज़ टू बेसिक स्ट्रक्चर्स। इसके दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर वन, पहले आप लगाते हैं इफ़,
उसके बाद आप लगाते हैं कंडीशन, और उसके बाद आप लगाते हैं रिजल्ट। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर क्या है? पहला स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप लगाते हैं इफ़, उसके बाद एक ख़ास सर्टन जो कंडीशन होती है वो लगाते हैं, फिर उसका एक रिज़ल्ट आता है। तो इफ़ प्लस कंडीशन प्लस रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू कंडीशनल सेंटेंस। अब इसकी मिसाल समझ लेते हैं। अभी जैसे मैंने एक मिसाल दी कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो इस सेंटेंस को लिखने का एक स्ट्रक्चर, एक तरीका ये है। अब हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर कि इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, रिजल्ट को पहले ले आना है, रिजल्ट प्लस इफ प्लस कंडीशन इज इक्वल टू कंडीशनल सेंटेंस। मतलब आप इस फिक्रे को इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इस फिक्रे को इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप पहले रिजल्ट लिखेंगे, उसके बाद इफ और प्लस आप अपनी कंडीशन लगाएंगे। कैसे? ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। पहला सेंटेंस मैंने लिखा था If he works hard, he will pass. अब यहाँ मैंने उसको रिवर्स किया, मतलब जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसको लिखने का वो ये है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि he will pass if he works hard. तो ये दो स्ट्रक्चर हैं जो आपने देखने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बात बता दूँ जो आपको समझ आ जाएगी। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए ज़रूरी नहीं कि आप इफ़ का यूज़ करें, इसके साथ एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हैं व्हेन। मतलब अगर आप ये फिक्रा इस तरह से लिखें व्हेन ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो ये बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। आप इफ़ से भी लिख सकते हैं सेंटेंस को और व्हेन से भी लिख सकते हैं, यू हैव चॉइस। ठीक है, ये दो बातें अपने जहन में रखें। अच्छा, अब इन दोनों स्ट्रक्चर में एक छोटा सा फ़र्क है, एक छोटी सी टेक्निकलिटी है जो आपको समझनी है। वो क्या? जो पहला मैंने सेंटेंस लिखा है जिसमें मैंने लिखा है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर इस क्लॉज के बाद एक कॉमा लगाया है। तो इसका मतलब है कि कॉमे का मतलब है एक क्लॉज दूसरी क्लॉज को अलग कर रही है। ठीक है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड कॉमा ही विल पास, तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया है। लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस गौर से देखेंगे तो मैंने लिखा है ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया। यही बात मुझे आपको बतानी थी और क्लियर करनी थी कि जब आप पहला स्ट्रक्चर यूज़ करते हो इफ़ प्लस कंडीशन प्लस रिजल्ट इज़ इक्वल टू कंडीशनल सेंटेंस, तो उसमें आप क्या करते हो इफ़ ही वर्क्स हार्ड कॉमा लगाते हो। कॉमा का मतलब क्या होता है कि एक क्लॉज को आपने दूसरी क्लॉज से अलग किया। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें आप रिजल्ट पहले लिखते हो उसके बाद इफ़ प्लस कंडीशन लगाते हो, तो उसमें आपने लिखा ही विल पास, कॉमा नहीं लगाना, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। तो यही बात मैंने बतानी है कि जब आप पहला स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो कॉमा लगाओगे क्योंकि एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से आप अलग कर रहे हो, लेकिन जब यहाँ पर आप दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो आप यहाँ कॉमा नहीं लगाओगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी होती हैं। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर वन ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, नंबर टू फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, नंबर थ्री सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस एंड नंबर फोर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब आप लोगों के जहनों में सवाल होगा कि सर ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल क्या होता है। इन तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे मेरे आने वाली वीडियो में। तो अगर आप इन्हें समझना चाहती हैं तो मेरे आने वाली वीडियोज़ को गौर से देखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल English with Asad Iqbal and press the bell icon button.